व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल है सबका। तो भाई लोग, चलो आज बात करते हैं कि अभी सर्दियां आ गई हैं, तो जो मेरे नए फार्मर है उनको पता होगा कि भट्टी हम कहाँ से लें ना, कहाँ से सस्ती मिलेगी, कहाँ से बढ़िया मिलेगी ना। तो भाई लोग, ये मैंने जुगाड़ बनाया है खुद अपने दिमाग से। ये भट्टी मैंने खुद बनवाई है, क्योंकि जो रेडीमेड भट्टी आती हैं वो बहुत कॉस्टली आती हैं। मेरे पास वो भी है, बट मैं काफ़ी टाइम से वो यूज़ नहीं करता। 5-6 साल हो गए हैं, मैं ज़्यादा हो गए हैं, मैं ये भट्टी यूज़ करता हूँ। ये कैसे बनती है ये मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। पहले तो जो ये पाइप है ना, जो सेम जैसे रेडीमेड पाइप आते हैं जो वही है, बट ये पैप भी मैंने खुद बनवाए हैं, अपने फार्म के हिसाब से बनाए हैं पैप। उधर से जब जाता है ऊपर, 3 पैप उधर लगे हैं, ये बेंडर लगा है और ये पैप इसमें आता है। तो अभी मेन बात आते हैं कि ये जो ड्रमी है ना, ये ड्रमी कहाँ से मिलेगी आपको ना भाई लोग। जो अपने आप जो पेटी बनाते हैं ना, जिसमें हम कपड़े रखते हैं ना, अलमीरा, हम अलमारी भी लेते हैं ना, जिसमें कपड़े रखते हैं, जहाँ अलमारी बनती है ना, उनके पास आपको ये ड्रमी मिलेगी। मैं ये ड्रमी लेके आया था 300 रुपये की। कभी 300 की मिलती है, कभी 200 की मिल जाती है, अप्रोक्स 250 के बीच में ले लो आप। मेरे को जो पूरी ड्रमी की कॉस्ट पड़ी थी अप्रोक्स 1100-1200 पड़ी थी एक भट्टी की टोटल कॉस्ट सभी डाल के। अगर हम नई भट्टी लेने जाएं कम से कम वो मेरे हिसाब से 3 या 4 हज़ार रुपये में आएगी। इसकी कॉस्ट मेरे को 1200 रुपये पड़ी है पूरी भट्टी की। तो जितना मेरा फार्म बड़ा है, मेरे को तो कम से कम मेरी 1 लाख की तो भट्टी आ जाएंगी इस वजह से। तो ये मैंने खुद का दिमाग लगा के बनाया था। इस दूसरी बात कि ये भट्टी ना सेक बहुत मारते हैं, क्योंकि वो ड्रमी डबल होती है, ये सिंगल ड्रमी है, ये सेक ज़्यादा मारती है, क्योंकि ये पूरी भर जाती है। उसमें से पहले ड्रमी निकालो, फिर लेके जाओ बाहर, उसको ढेरी करो। ये डायरेक्ट ड्रमी है, इसको खाली करो, बाहर लेके जाओ, ढेरी करो, फिर भर दो ना। और ये सेक ज़्यादा मारती है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं आपको जो चला के भी दिखाऊंगा जब चिक्स आ जाएगा हमारा ना। जितनी भी ड्रमी है ना मेरी, सारी इसी प्रकार की हैं, डबल ड्रमी नहीं है मेरे पास। मैंने जितनी भी भट्टी बनाई है यही बनाता हूँ, यही यूज़ करता हूँ। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो मेरा भाई लाइक कमेंट करना। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।